अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। अभी हाल ही में मवाना के मटौरा गांव में SBI के कैश वैन को लूटने की कोशिश करने वाले बदमाशों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं SP देहात अविनाश पांडे। देखिए, दिनांक 26 तारीख की सुबह थाना मवाना क्षेत्र में मटौरा ग्राम में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके कैशियर, गार्ड एवं ड्राइवर अपनी प्राइवेट गाड़ी से बैंक का कुछ कैश लेकर आ रहे थे। उसका दो बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया। इस लूटने के प्रयास की घटना में उनके द्वारा एक गोली भी चलाई गई जो गार्ड के दाहिने गाल को छूते हुए निकल गई। इसमें तुरंत ही मवाना पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई एवं बदमाशों को आगे घेर भी लिया गया, परंतु बदमाश भाग निकलने में सफल हुए। इनकी बाइक और पिस्टल इत्यादि पुलिस द्वारा और जो वहाँ पर सजग गार्ड थे इनके द्वारा बरामद की गई। इसमें ह्यूमन इंट और जो टेक्निकल इंट है इसके लिए माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर कई टीमों का गठन किया गया। कई सारी CCTV फुटेज जो थाना मवाना के कंट्रोल रूम, स्टेट बैंक मेन ब्रांच मवाना और स्टेट बैंक मटौरा है, इनका अध्ययन किया गया। इसके आधार पर, खुलिए के आधार पर कुछ लोगों की जानकारी की गई तो ये सामने आया कि सचिन उर्फ T2, योगेंद्र उर्फ मोनू और अंकुर, इन तीन लड़कों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें जब 25 इन पर इनाम भी घोषित किया गया 25,000 रुपये का माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। इसमें जब अंकुर को गिरफ्तार किया गया तो उसकी सूचना पर जब सचिन उर्फ T2 के लिए दबिश दी गई और इसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षात कार्रवाई में ये घायल हुआ है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, मर्डर में भी जेल गया है। योगेंद्र उर्फ मोनू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो बाइक इत्यादि घटना में प्रयुक्त हुई हैं, एक बाइक पहले भी लूटी गई थी और जो पिस्टल, कारतूस और अन्य जो सामान लूट में गया था वो सभी बरामद कर लिया गया है। इसमें विशेष धन्यवाद मैं गार्ड श्री जन्म सिंह का करने चाहूँगा जिन्होंने कर्तव्य परायणता और अदम्य साहस का परिचय दिया। उनको मेरठ पुलिस की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही SOG टीम और थाना मवाना की टीम को भी मेरठ पुलिस की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया। धन्यवाद।